बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट में डिसीजन मेकिंग के बारे में बताऊंगी। डिसीजन मेकिंग के पार्ट वन और पार्ट टू में हमने मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ा। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टू नो अबाउट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय की तकनीकी या तरीका के बारे में। चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जैसा कि आप जानते हैं डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग ऑफ अमंग अल्टरनेटिव, मतलब कई सारे विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना। इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन ये सिंपल एक्ट नहीं है, ये सिंपल क्रिया नहीं है, सिंपल एक्टिविटी नहीं है। तो इस निर्णय को करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप या तरीका बताया गया है। पीटर एफ ड्रकर ने बताया है कि जो निर्णय प्रक्रिया है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो उन्होंने एक सामान्य प्रक्रिया को डिफाइन किया है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए कोई निर्णय हो या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो निर्णय हो, लिया जा सकता है उस स्टेप के आधार पर। चलिए देखिए, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग ए डिसीजन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव रिसोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनमें से हम एक अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं और फॉलो करते हैं। देखिए, यूजिंग ए स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू मेक मोर डेलिबरेट थॉटफुल डिसीजंस बाय ऑर्गेनाइजिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिफाइनिंग अल्टरनेटिव। सेम यही चीज कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं, किस तरह से हम कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं, यही हम पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में। चलिए देखिए, पीटर एफ ड्रकर ने 7 स्टेप में डिवाइड किया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना, यानी हमारी समस्या क्या है या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में समस्या क्या है। जैसे जो प्लानिंग होता है, इसके पहले आपने पढ़ा था प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं या टारगेट सेट करते हैं कि हम ये काम करेंगे। जैसा कि हमने टारगेट सेट किया था कि हम नेक्स्ट ईयर सेल्स को बढ़ाएंगे, 2 गुना सेल्स करेंगे, तो ये हमारा टारगेट था। बट वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, हमारा सेल्स 2 गुना नहीं बढ़ा। तो वो 1.5 गुना ही बढ़ा जबकि हमारा टारगेट 2 गुना का था, तो वो क्यों नहीं बढ़ा। तो जितना उसमें डिस्टेंस है दोनों में, जितना फर्क है, वो फर्क आया कहां से। यही अब हमारी मेन समस्या क्या है कि हमने टारगेट सेट किया था कि 2 गुना हम सेल्स बढ़ाएंगे, लेकिन ये 2 गुना ना बढ़ के 1.5 गुना बढ़ा। ये सेल्स हमारा 2 गुना ना बढ़ के 1.5 गुना बढ़ा। अब ये 1.5 गुना क्यों बढ़ा, ये हमारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, और जहां प्रॉब्लम है वहीं निर्णय लेने की जरूरत है। तो इसलिए हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि हमारा सेल्स 1.5 गुना है जिसको 2 गुना करना था। अब हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण भी करते क्या है, ऑब्जर्व करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं उसको। ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह की समस्या किस कारण से आई, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं उसकी क्या सही है क्या गलत, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में पता चलता है कि क्या एग्जैक्ट में क्या प्रॉब्लम था। तो हम एनालाइजिंग द प्रॉब्लम करेंगे, जैसा कि हमने एनालाइज किया कि किस तरह की समस्या है, यानी हमारा सेल्स नहीं बढ़ा तो उसमें किस रिसोर्सेज, जैसे जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी कमियां हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, मशीनरीज की कमी है, मटेरियल्स की कमी है, तो किस तरह की कमी है, किसकी कमी की वजह से हमारा सेल्स हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग बढ़ा नहीं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वैकल्पिक समाधानों का अध्ययन। अब हम स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव करें, अल्टरनेटिव मतलब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उनका अध्ययन करेंगे। अब जो प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं,
किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे हमको कहीं जाना है तो जरूरी नहीं कि कहीं जाना हमारे लक्ष्य तक जाने के लिए एक ही रास्ता हो। अगर वो रास्ता खराब हो गया, बारिश की वजह से खराब हो गया या किसी वजह से खराब हो गया, तो हम कोई और रास्ता वहां तक जाने के लिए चूज कर सकते हैं। तो भले ही वो थोड़ा सा कठिन होगा या कोई और उसमें बहुत अच्छा होगा, तो उसको हम चूज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना रहता है, स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्यों करते हैं, क्योंकि बिजनेस में एक ऐसे अल्टरनेटिव का चुनाव करना होता है जिसके थ्रू हमको अपॉर्चुनिटी मिले और हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, जिसके थ्रू हम एक उचित निर्णय ले सकें। तो हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव, हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जैसे ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया, कई सारे अल्टरनेटिव डेवलप किए कि इसको सॉल्व करने के 1, 2, 3, 4, 5 या 6 छह अल्टरनेटिव हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 6 विकल्प हैं हमारे पास, 6 सॉल्यूशन है। अब 6 सॉल्यूशन का हम क्या करें, हमने इनका स्टडी किया, अध्ययन किया 6 का, फिर अध्ययन करने के बाद हम इनका मूल्यांकन करेंगे। यहाँ स्टडी नहीं, इवैल्यूएशन होगा। तो हम इनका स्टडी करेंगे, सॉरी इवैल्यूएट करेंगे इनको, कि पहले में क्या क्या इसका इसकी कमियां है, क्या कैसे किस तरीके से और कितनी अच्छे तरीके से ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर सेकेंड का अध्ययन करेंगे, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसको इवैल्यूएट करेंगे। मूल्यांकन में यही करते हैं कि कौन सा कितना सही है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो हमने सेकेंड को की भी स्टडी किया, तो पहले को हमने फेल कर दिया कि ये पहला सही नहीं है। फिर हमने दूसरे का कोई स्टडी किया, दूसरा भी हमको लगा कि ये हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये विकल्प सही नहीं है। तीसरा कुछ हद तक ठीक लगा, हमने इसको सही कर दिया। चौथा भी हमको कुछ हद तक ठीक लगा, इसको सही कर दिया। पांचवें को भी हमने फेल कर दिया, ये भी सही नहीं है। फिर हमने छठवें को, इसमें से 3 हमको मिला जो कुछ हद तक ठीक है हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब हमने इन तीनों का अध्ययन किया, इन तीनों का इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन करने के बाद हमको पता चला कि इसमें से जो 4th नंबर का है विकल्प है, जो अल्टरनेटिव 4th है, वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। तो हमने क्या किया, इवैल्यूएशन के बाद सर्वोत्तम का चयन किया। इसमें से इवैल्यूएट करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव किया, यानी ऑप्शन नंबर 4। अल्टरनेटिव इन द सेंस ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। तो 4th हमने सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू इफेक्टिव एक्शन, यानी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्शन में, यानी अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने एक्शन ले लिया कि यही निर्णय हमारा सबसे सही है, 4th वाला जो है ऑप्शन वो हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अब हम इसी के द्वारा हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो 2 गुना हमारा सेल्स बढ़ाना है उसको हम अचीव कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इस बेस्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट, तब तक हमारा लिया गया निर्णय सही है या गलत तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम फीडबैक नहीं, प्रतिपुष्टि नहीं करेंगे इस बात की कि लिया गया निर्णय सही था या नहीं था, नहीं है, यानी इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इजिली सॉल्व हो गया, तो लिया गया निर्णय सही था, सही है, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो हमको पुनः निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, पीटर या ड्रगर के द्वारा इसको हम कह सकते हैं आदर्श प्रक्रिया, या एक आदर्श प्रक्रिया कह सकते हैं, और इसको साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहते हैं। निर्णय का वैज्ञानिक प्रक्रिया, आदर्श प्रक्रिया या सामान्य प्रक्रिया, जो कोई भी निर्णय लेने के लिए ये स्टेप फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेक्निक्स और मेथड, तकनीकी और या तरीका, किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है, या उस तरीके के अनुसार अगर हम कार्य को करते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है, और जो भी सेट किया गया टारगेट रहता है वो हमको अचीव हो जाता है उस तरीके से करने। चलिए हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन जी हॉचिंसन ने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड टैक्स, इन्होंने बताया था इनमें कि जो मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको 3 तरीके से, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, लेकिन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे उनको इस माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला मेथड है हमारा, पहला तरीका हमारा
क्या है? पहला तरीका जजमेंट मेथड यानी अनुमानित विधि। ये सबसे सिंपल और जल्दी लेने वाला सिंपल क्विकली डिसीजन का तरीका होता है, निर्णय लेने का तरीका। ये सबसे सिंपल और क्विकली, इसमें एजम्पशन ही मस्ट होता है, इसमें अनुमान जो होता है वो सबसे मुख्य आधार, अनुमान पे ही, अनुमान के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेथड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेथड में इसमें क्या करते हैं, हम पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं। जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं, फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं कि क्या इस कार्य के माध्यम से हम निर्णय लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं, हमारे कस्टमर किस टाइप के हैं, हमारे कंपटीटर किस टाइप के हैं, सप्लायर किस टाइप के हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मेथड, सिस्टम मॉडल मेथड। इस मॉडल में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डिसीजन लेने के पहले एक प्रतिरूप तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर, उस प्रतिरूप के आधार पर हम ये तय करते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है हमको, जैसा कि एग्जांपल में मैंने सेल्स बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, यानी हम कस्टमर के डिमांड को फिर पता करेंगे उस प्रतिरूप के अकॉर्डिंग कि वो जो सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं सेल्स बढ़ाने के लिए, क्या वो कस्टमर के लिए सही है या गलत है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिसीजन लेने के पहले एक प्रतिरूप तैयार करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियोरल मेथड। बिहेवियोरल मेथड क्या होता है, व्यवहारिक तरीका। व्यवहारिक तरीका ये है कि हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन से हमारे कस्टमर पे या हमारे एम्प्लॉय पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है या नहीं, उनके पद प्रतिष्ठा सम्मान पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं, ये बिहेवियोरल अप्रोच है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है जैसे अंतर्बोध तरीका, अंतर्बोध तरीका के माध्यम से कैसे हम डिसीजन लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड में हम ये देखते हैं कि जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें जितने भी तरह की एक्टिविटी हो रहे हैं, वो एक्टिविटी सभी के लिए सही है या नहीं सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेथड, आर्थिक और वित्तीय तरीका। आर्थिक और वित्तीय तरीका ये फुल्ली डिपेंड होता है कि प्रॉफिट पे, पूर्ण प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। अगर हम देखते हैं कि आर्थिक और फाइनेंशियल जैसा कि ये लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है, जो फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है, जो व्यवसाय का जीवन रक्त है, तो अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस और इकोनॉमिकल एनालिसिस कर लेते हैं, यानी हम ये पता कर लेते हैं कि कितना हमारा कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सब के द्वारा लिया गया निर्णय एक व्यवसाय के लिए सबसे उत्तम निर्णय होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसके आधार पर हम एक अच्छा निर्णय, इसके आधार पर कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजर एक सही निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर, सैम्पलिंग के आधार पर निर्णय लिया जाता है इसमें, हाइपोथेसिस मेथड में। तो इस तरह से ये सारे टेक्निक हैं डिसीजन मेकिंग के, जिनका यूज करके हम एक सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। एक, जैसा कि आप जानते हैं, जो निर्णय है वो क्या है, ये प्रोसेस है, निर्णय प्रोसेस है ना कि आउटकम। जो डिसीजन है वो आउटकम है, डिसीजन इज द आउटकम ऑफ सच प्रोसेस, बट जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है, प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस या एक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम जाने कि डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया और टेक्निक के बारे में इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वही आप एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पीटर या ड्रकर के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, उसको लिख सकते हैं। राइट द टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग निर्णय का तरीका है वो भी आप देखे हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जैसा कि इसको मैंने पहले इसके पिछले क्लास में बताया था कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक के साथ, बिजनेस मैनेजमेंट के ही अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।